स्टूडेंट वेलकम आज हम अध्ययन करेंगे क्लास इलेवंथ सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर वन अ फोटोग्राफ प्रस्तुत हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स क्वेश्चन नंबर सेवन द थ्री स्टेंजास डिपिक्ट थ्री डिफरेंट फेजेस, वाट आर दे द डिपिक्ट थ्री डिफरेंट फेजेस, वाट आर दे द थ्री स्टेंजास डिपिक्ट थ्री डिफरेंट फेजेस, वाट आर दे तीन छंद तीन अलग अलग चरणों को दर्शाते हैं वे क्या हैं तीन छंद तीन अलग अलग चरणों को दर्शाते हैं वे क्या हैं इस प्रश्न के उत्तर में कुल एक पैराग्राफ है तथा इस एक पैराग्राफ में कुल पांच सेंटेंस हैं हम प्रत्येक सेंटेंस का अलग अलग स्लाइड में गहनता से अध्ययन करेंगे लेकिन लिखते समय इसे केवल एक पैराग्राफ में लिखेंगे आंसर का सेंटेंस नंबर वन इन फर्स्ट दर्स्ट स्टैंड दोएट्स मदर इज सोन एज अ ट्वेल्व ईयर ओल्ड गर्ल विद अ प्रिटी एंड लाफिंग फेस इन फर्स्ट दर्स्ट स्टैंड दोएट्स मदर इज सोन एज अ ट्वेल्व ईयर ओल्ड गर्ल विद अ प्रिटी एंड लाफिंग फेस पहले छंद में कवि की माँ को बारह साल की सुंदर और हंसते हुए चेहरे के रूप में दिखाया गया है इन फर्स्ट स्टैंड द पोएट्स मदर इज सोन एज अ ट्वेल्व ईयर ओल्ड गर्ल विद अ प्रिटी एंड लाफिंग फेस आंसर का सेंटेंस नंबर टू दे सी वेंट टू अलीडे विद हर टू कजिन्स दे सी वेंट टू अलीडे विद हर टू कजिन्स दे सी वेंट टू अलीडे विद हर टू कजिन्स वह वहाँ समुद्र की छुट्टियों पर अपनी दो चचेरी बहनों के साथ गई थी आंसर के सेंटेंस नंबर टू में कजिन्स की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए सी ओ यू एस आई एन एस इसमें एक बार ओ फॉर ऑरेंज एक बार यू फॉर अम्ब्रेला और एक बार आई फॉर आइसक्रीम आया है आंसर का सेंटेंस नंबर थ्री दिस फेज इज बिफोर द पोएट्स बर्थ दिस फेज इज बिफोर द पोएट्स बर्थ दिस फेज इज बिफोर द पोएट्स बर्थ यह कवि के जन्म के पहले का चरण है यह है कवि के जन्म के पहले का चरण है आंसर के सेंटेंस नंबर थ्री में फेज की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए पी एच एस ई इसमें पी एच के बाद ए फॉर एप्पल आया है इस बात को हमेशा ध्यान रखना है दिस फेज इज बिफोर दी पोएट्स बर्थ दिस फेज इज बिफोर दी पोएट्स बर्थ आंसर का सेंटेंस नंबर फोर द सेकेंड फेज डिस्क्राइब्स द मिडिल एज्ड मदर लाफिंग एट हर ओन स्नैपशॉट द सेकेंड फेज डिस्क्राइब्स द मिडिल एज्ड मदर लाफिंग एट हर ओन स्नैपशॉट द सेकेंड फेज डिस्क्राइब्स द मिडिल एज्ड मदर लाफिंग एट हर ओन snapshot, दूसरे चरण में अपनी ही तस्वीर पर हंसती मध्यम आयु की माँ का वर्णन है दूसरे चरण में अपनी ही तस्वीर पर हंसती मध्यम आयु की माँ का वर्णन है आंसर के सेंटेंस नंबर फोर में डिस्क्राइब्स की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए इसमें दो बार फॉर e एलिफेंट आया है देज डिस्क्राइब्स द मिडिल एजड मदर लाफिंग एट हर ओन स्नैपॉट द सेकेंड फेज डिस्क्राइब्स द मिडिल एजड मदर लाफिंग एट हर ओन स्नैपॉट आंसर का सेंटेंस नंबर फाइव in the third phase, there is a pall of silence that the death of the poet's mother has left in the life of the poet. in the third phase, there is a pall of silence that the death of the poet's mother has left in the life of the poet. इन दर्ड फेज देयर इज अ पॉल ऑफ साइलेंस दैट द डेथ ऑफ द पोएट्स मदर हैज़ लेफ्ट इन द लाइफ ऑफ द पोएट तीसरे चरण में मौन का एक निराशाजनक माहौल है जो कभी की मां की मृत्यु कभी के जीवन में छोड़ गई है तीसरे चरण में मौन का एक निराशाजनक माहौल है जो कभी की मां की मृत्यु कभी के जीवन में छोड़ गई है आंसर के सेंटेंस नंबर फाइव में ध्यान दीजिए पॉल पी एल एल पॉल अर्थात अ नेगेटिव फीलिंग और मूड अर्थात निराशाजनक माहौल स्टूडेंट वेलकम आज हम अध्ययन करेंगे क्लास इलेवंथ सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर वन अ फोटोग्राफ प्रस्तुत हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स क्वेश्चन नंबर सेवन द थ्री स्टेंजास डिपिक्ट थ्री डिफरेंट फेजेस, वाट आर दे द द्री स्टेंजास थ्री स्टेंजास डिपिक्ट थ्री डिफरेंट फेजेस, वाट आर दे तीन छंद तीन अलग अलग चरणों को दर्शाते हैं वे क्या हैं तीन छंद तीन अलग अलग चरणों को दर्शाते हैं वे क्या हैं? इस प्रश्न के उत्तर में कुल एक पैराग्राफ है तथा इस एक पैराग्राफ में कुल पांच सेंटेंस हैं हम प्रत्येक सेंटेंस का अलग अलग स्लाइड में गहनता से अध्ययन करेंगे लेकिन लिखते समय इसे केवल एक पैराग्राफ में लिखेंगे आंसर का Sentence number one. In the first stanza, the poet's mother is shown as a 12 year old girl with a pretty and laughing face. In the first stanza, the poet's mother is shown as a 12 year old girl with a pretty and laughing face. पहले छंद में कवि की माँ को बारह साल की सुंदर और हंसते हुए चेहरे के रूप में दिखाया गया है इन दी फर्स्ट स्टैंडा पोएट्स मदर इज सोन एज अ ट्वेल्व ईयर ओल्ड गर्ल विद अ अटी एंड लाफिंग फेस आंसर का सेंटेंस नंबर टू दे आर सी वेंट टू अस्सी हॉलीडे विद हर टू कजिन्स दे आर सी वेंट टू अस्सी हॉलीडे विद हर टू कजिन्स दे आर सी वेंट टू अस्सी हॉलीडे विद हर टू कजिन्स वह वहां समुद्र की छुट्टियों पर अपनी दो चचेरी बहनों के साथ गई थी आंसर के सेंटेंस नंबर टू में कजिन्स की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए सी ओ यू एस आई एन एस इसमें एक बार ओ फॉर ऑरेंज एक बार यू फॉर अम्ब्रेला और एक बार आई फॉर आइसक्रीम आया है आंसर का सेंटेंस नंबर थ्री दिस फेज इज बिफोर द पोएट्स बर्थ दिस फेज इज बिफोर द पोएट्स बर्थ दिस फेज इज बिफोर द पोएट्स बर्थ यह कवि के जन्म के पहले का चरण है यह कवि के जन्म के पहले का चरण है आंसर के सेंटेंस नंबर थ्री में फेज की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए पी एच ए एस ई ए। इसमें पी एच के बाद ए फॉर एप्पल आया है इस बात को हमेशा ध्यान रखना है दिस फेज इज बिफोर पोएट्स बर्थ दिस फेज इज बिफोर पोएट्स बर्थ आंसर का सेंटेंस नंबर फोर द सेकेंड फेज डिस्क्राइब्स द मिडिल एजड मदर लाफिंग एट हर ओन स्नैपशॉट द सेकेंड फेज डिस्क्राइब्स द मिडिल एजड मदर लाफिंग एट हर ओन स्नैपशॉट द सेकेंड फेज डिस्क्राइब्स मिडिल एज्ड मदर लाफिंग एट हर ओन स्नैपॉट दूसरे चरण में अपनी ही तस्वीर पर हंसती मध्यम आयु की माँ का वर्णन है दूसरे चरण में अपनी ही तस्वीर पर हंसती मध्यम आयु की माँ का वर्णन है आंसर के सेंटेंस नंबर फोर में डिस्क्राइब्स की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए इसमें दो बार ई फॉर एलिफेंट आया है describes फेज डिस्क्राइब्स aged मिडिल मदर लाफिंग एट हर ओन The second सेकेंड फेज डिस्क्राइब्स द aged मदर लाफिंग एट हर ओन snapshot. Answer ka? Sentence number 5. In the third phase, there is a pall of silence that the death of the poet's mother has left in the life of the poet. In the third phase, there is a pall of silence that the death of the poet's mother हैज लेफ्ट इन द लाइफ ऑफ द पोएट इन द थर्ड फेज देयर इज अ पॉल ऑफ साइलेंस दैट द डेथ ऑफ द पोएट्स मदर हैज लेफ्ट इन द लाइफ ऑफ द पोएट तीसरे चरण में मौन का एक निराशाजनक माहौल है जो कभी की मां की मृत्यु कभी के जीवन में छोड़ गई है तीसरे चरण में मौन का एक निराशाजनक माहौल है जो कभी की मां की मृत्यु कभी के जीवन में छोड़ गई है आंसर के सेंटेंस नंबर फाइव में ध्यान दीजिए पॉल पी एल एल पॉल अर्थात नेगेटिव फीलिंग और मूड अर्थात निराशाजनक माहौल स्टूडेंट वेलकम आज हम अध्ययन करेंगे क्लास इलेवंथ सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर वन अ फोटोग्राफ प्रस्तुत हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स क्वेश्चन नंबर सेवन द थ्री डिपिक्ट थ्री डिफरेंट फेजेस, वाट आर दे द स्टेंज़ास डिपिक्ट थ्री डिफरेंट फेजेस, वाट आर दे द स्टेंज़ास डिपिक्ट थ्री डिफरेंट फेजेस, वाट आर दे तीन छंद तीन अलग अलग चरणों को दर्शाते हैं वे क्या हैं तीन छंद तीन अलग अलग चरणों को दर्शाते हैं वे क्या हैं? इस प्रश्न के उत्तर में कुल एक पैराग्राफ है तथा इस एक पैराग्राफ में कुल पांच सेंटेंस हैं हम प्रत्येक सेंटेंस का अलग अलग स्लाइड में गहनता से अध्ययन करेंगे लेकिन लिखते समय इसे केवल एक पैराग्राफ में लिखेंगे आंसर का Sentence number one. In the first stanza, the poet's mother is shown as a 12 year old girl with a pretty and laughing face. In the first stanza, the poet's mother is shown as a 12 year old girl with a pretty and laughing face. पहले छंद में कवि की माँ को बारह साल की सुंदर और हंसते हुए चेहरे के रूप में दिखाया गया है इन दी फर्स्ट स्टैंडा द पोएट्स मदर इज सोन एज अ ट्वेल्व ईयर ओल्ड गर्ल विद अ अटी एंड लाफिंग फेस आंसर का सेंटेंस नंबर टू दे सी वेंट टू अ सी हॉलीडे विद हर टू कजिन्स दे सी वेंट टू अ सी हॉलीडे विद हर टू कजिन्स दे सी वेंट टू अ सी हॉलीडे विद हर टू कजिन्स वह वहां समुद्र की छुट्टियों पर अपनी दो चचेरी बहनों के साथ गई थी आंसर के सेंटेंस नंबर टू में कजिन्स की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए सी ओ यू एस आई एन एस इसमें एक बार ओ फॉर ऑरेंज एक बार यू फॉर अम्ब्रेला और एक बार आई फॉर आइसक्रीम आया है आंसर का सेंटेंस नंबर थ्री दिस फेज इज बिफोर द पोएट्स बर्थ दिस फेज इज बिफोर द पोएट्स बर्थ दिस फेज इज बिफोर द पोएट्स बर्थ यह कवि के जन्म के पहले का चरण है यह कवि के जन्म के पहले का चरण है आंसर के सेंटेंस नंबर थ्री में फेज की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए पी एच एस ई इसमें पी एच के बाद ए फॉर एप्पल आया है इस बात को हमेशा ध्यान रखना है दिस फेज इज बिफोर पोएट्स बर्थ दिस फेज इज बिफोर पोएट्स बर्थ आंसर का सेंटेंस नंबर फोर द सेकेंड फेज डिस्क्राइब्स द मिडिल एज मदर लाफिंग एट हर ओन स्नैपॉट द सेकेंड फेज डिस्क्राइब्स द मिडिल एज मदर लाफिंग एट हर ओन स्नैपॉट द सेकेंड फेज डिस्क्राइब्स मिडिल एज्ड मदर लाफिंग एट हर ओन स्नैपॉट दूसरे चरण में अपनी ही तस्वीर पर हंसती मध्यम आयु की माँ का वर्णन है दूसरे चरण में अपनी ही तस्वीर पर हंसती मध्यम आयु की माँ का वर्णन है आंसर के सेंटेंस नंबर फोर में डिस्क्राइब्स की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए इसमें दो बार ई फॉर एलिफेंट आया है देंड फेज डिस्क्राइब्स द मिडिल मदर लाफिंग एट हर ओन स्नैपॉट देज डिस्क्राइब्स द मिडिल एज मदर लाफिंग एट हर ओन स्नैपॉट Answer ka? Sentence number 5. In the third phase, there is a pall of silence that the death of the poet's mother has left in the life of the poet. In the third phase, there is a pall of silence that the death of the poet's mother हैज लेफ्ट इन लाइफ ऑफ द पोएट इन थर्ड फेज देयर इज अ पॉल ऑफ साइलेंस दैट द डेथ ऑफ द पोएट्स मदर हैज लेफ्ट इन द लाइफ ऑफ द पोएट तीसरे चरण में मौन का एक निराशाजनक माहौल है जो कभी की मां की मृत्यु कभी के जीवन में छोड़ गई है तीसरे चरण में मौन का एक निराशाजनक माहौल है जो कभी की मां की मृत्यु कभी के जीवन में छोड़ गई है आंसर के सेंटेंस नंबर फाइव में ध्यान दीजिए पॉल पी एल एल पॉल अर्थात नेगेटिव फीलिंग और मूड अर्थात निराशाजनक माहौल आप सभी को अध्ययन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं अभी आपके स्क्रीन पर बटन के रूप में दो वीडियो दिखाई दे रहे हैं आप इनमें से किसी एक को चुनकर उस पर क्लिक करें और अपना आगे का अध्ययन निरंतर जारी रखें